Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those that are preparing for NMAT 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss about 10 important types on missing numbers. So guys, figure-based missing numbers questions NMAT में तो आ ही रहे हैं, साथ में SNAP and बाकी non-gate exams में भी आते हैं. So guys, ये video आपके लिए बहुत important है. यहाँ मैं आपको 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो क्वेश्चन टाइप्स आप माइंड में रखना, प्लस इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है इन क्वेश्चन के साथ. गाइस ये अनसैचुरेटेड लिखे हैं, अनसैचुरेटेड मतलब होता है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लो यू कैन नॉट से कि आप हर क्वेश्चन कर लोगे, बिकॉज ये रीजनिंग है गाइस. तो इसके लिए एक्सपर्टीज आती है, आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए. वो मैट्रिक्स बताऊंगा कैसे करना है आपको, बाकी इस वीडियो को देखना और 10 में से बताना आपका कितने क्वेश्चन आपको आते थे कमेंट सेक्शन में. तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज हम लोग चैनल पर लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप का लिंक्स कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, उनको ज्वाइन करना. ठीक है, इससे मेरी एनमैट स्नैप के ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप काफी एक्टिव है, यहाँ पे डेटा एफिशिएंसी के क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं, प्लस फेसबुक ग्रुप अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल. गाइस देखते हैं, गाइस पहला क्वेश्चन ये ट्राई करें क्या बोल रहा है, 4, 5, 6, 2, 3, 7, 1, 8, 3. तो गाइस जब आप ऐसे ये क्वेश्चन देखोगे तो आप ये चीज माइंड में रखो, कभी भी अगर सिंगल डिजिट से एकदम से काफी बड़े डिजिट आ जाए तो उसका रीजन मेनली क्या होता है, या तो नंबर्स का स्क्वायर या क्यूब किया गया है, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसे ही कुछ होता है, क्योंकि सब सिंगल डिजिट है, लास्ट रो बस आपकी डबल डिजिट है बहुत बड़ी. ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनको 4, 2 इंटू 1 तो आपको 80 मिलेगा, 21 काफी बड़ा है. तो आप क्या कर दे सकते हो, 4² + 2² + 1², यह आपको 21 आ रहा है. इसी तरह 5² + 9 + 64 98 आ रहा है, 98 आ रहा है ना, 25 + 9 + 64 34 + 64. तो गाइस यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऊपर के तीनों रोज का स्क्वायर का सम फोर्थ रो का है, तो 6² + 7² + 3² ये आपका हो जाएगा 36 + 49 + 9 58 + 36, ये आपका 60, 94 आ गया. तो ये बेसिकली क्लिक करने की बात है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में अगर आपको 10 से 15 सेकंड में क्लिक नहीं होता है तो आप प्लीज स्किप कर देना, ये एक तरह के ट्रैप होते हैं, आप फंस जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका बाकी एवर खराब हो जाएगा. ठीक है, अब गाइस ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आप देखोगे 4² है या 9² है, बट गाइस यहाँ तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं है, और बीच में 5 है, तो कहीं ना कहीं 5 को रिलेट कर रहा होगा. तो 5 × 3 = 15 + 1, 5 × 16 = 80 + 1, 81 × 5 = 405 + 1, इसी तरह 5 × 4 = 6 + 1, तो आपका आ जाएगा 2031, 406 × 5 + 1, तो 2030 + 1 आ गया. ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपके कॉर्नर्स में 7, 16, 34, जब आप ध्यान से देखो इन नंबर्स को तो ये नंबर्स 16, 7 से डबल से थोड़ा सा आगे, 34 भी डबल से, तो रिलेशन निकालो, 7 × 14 + 2, 16 × 32 + 2, 34 × 68 + 2, ये 70 होना चाहिए. ठीक है, 34 × 2 + 2 = 70, अब 70 × 2 + 2 करो यार, मेरा 142, तो मेरा आंसर 70 आ गया. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, 44, 42, 23, 37, अब यहाँ पे सब नंबर एक ही टाइप के हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पहले डिफरेंस अप्रोच ले सकते हो, 42 - 23 ये आप करोगे तो 19 आएगा, इनको माइनस करोगे तो आपका आएगा करीब 14. ठीक है, अगर आप इनको माइनस करते हैं तो ये मेरा 10 आ रहा है, यहाँ मेरा आ रहा है 11. ठीक है, कुछ रिलेशन खास दिख नहीं रहा है, बट आप यहाँ देखो बीच में 44, 55, तो आपको दिखना चाहिए कि 11 का मल्टीपल है, तो 11 × 4, 11 × 5, तो यहाँ 4, 5 कैसे लाया जाए, तो 42 − 38, 23 − 28, 42 − 38 = 4, 23 − 28 mod absolute value 5. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 37 और 39 का डिफरेंस 2 आ रहा है × 11, तो मतलब फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम का डिफरेंस × 11 ये हो रहा है बस, 39 − 37 × 2 × 11 = 22. अब जैसे 179, 214 समथिंग, फिर सीधे इतना बड़ा नंबर आ गया, तो डेफिनेटली अगर आप सोचो कि ऐड कर दें इनको तो ऐड करके यहाँ तो आ रहा है, यहाँ थोड़ी आ रहा है. ठीक है, तो आपको क्या देखना चाहिए, 2 × 1 + 1 = 3, 14 × 7 + 1, 14 × 7 = 98 + 7 = 105. इसी तरह मान लो इसको x मान लो, तो x × 9 + 9 ये आ रहा 117, तो 9x आपका हो गया 108, x आपका हो गया 12.
देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्री रिक्विजिट क्या चाहिए। 30 तक के स्क्वायर, 50 तक के स्क्वायर एंड 30 तक के क्यूब्स रटे होने चाहिए, ठीक है। प्लस कुछ मल्टीप्लायर्स आपको पता होने चाहिए, रूट ऑफ 2 या रूट ऑफ 3। बाकी गैस 25 के मल्टीपल्स भी माइंड में रखो, 25 into 12, 25 into 16, इस तरह के ये आपके डीआई में काम आएंगे। सेम 15 के 12, 15 into 16, ऐसा ये सब माइंड में रखो आप। बाकी नंबर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जितना अच्छा आपका टेबल्स वाला पार्ट होगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या आप नंबर्स को कैसे रिलेट कर पा रहे हो, नंबर सीरीज अगर अच्छी है तो कर लोगे। अब जैसे देखो 3 4 5, 3 7 12, तो अगर हम इनको रिलेशन बनाओ तो क्या होगा, ये आप सोचोगे 3 + 4 5, 3 + 5 8, 8/2 4, कई लोग सोच सकते हैं लास्ट कॉलम्स का ऐड करके आधा कर दिया। अगर इसको ऐसे करें 12 + 3, 12 + 3 मेरा क्या हो रहा है 15, 15/2 7 नहीं आ रहा है। और गैस कॉलम से कुछ रिलेशन आएगा नहीं, बिकॉज सब कुछ सेम है। तो गैस यहाँ पे ध्यान से देखो, जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 7 आ रहा है, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं 12 आ रहा है, मतलब एक रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके उसके नीचे आएगा। और जैसे आप 3 7 12 ऐड करोगे इनको, इन तीनों को, तो 22 आएगा। अगर आपको ये चाहिए तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 एंड 7 को ऐड करो तो आंसर आएगा 10। ये क्वेश्चन देखो 11 6 8 7 12, देखो 11 6 8 17 12 क्वेश्चन मार्क, इनको माइनस करो 6 आ रहा है और इसमें 6 आ रहा है, तो पहले दो का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 8 है, तो इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 16 होना चाहिए, 16 - 8 8 होता है, 16 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, कभी इसका क्वेश्चन देखा क्या करना, ये 64 दिख रहा है तो आपको साफ साफ दिखेगा 8² या 4³, ये 27 दिख रहा है, 3³ लग रहा है। अब कैसे, 64 है, 7 - 3 4³, 11 - 8 3³, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 8 - 2 6 6³ 216, क्योंकि यहाँ पे भी 5 - 4 1³, ठीक है। अब कहते हो कभी भी आपके लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको आप ऐसे याद करो को, आपको अल्फाबेट्स का नंबर ही याद होना चाहिए, लाइक A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, ऐसा। तो गैस इसको याद करने का तरीका, एक हिंट दे रहा हूँ आपको, वैसा को रखना है, बट एक याद रखो, AEJOTY, 5 10 15 20 एंड 25, इसको बोलते हैं एजोटी। ये एक कोड है बस, ये आपको याद रहे कि E 5th नंबर में आता है, J 10th नंबर पे, O 15th नंबर पे, T 20 पे एंड Y 25 पे। तो कभी आस पास के नंबर से आपको देख रहे हो तो आपको याद आ जाएगा T 20 है, तो इसके बाद U आता है 21, तो आप तुरंत रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो एजोटी याद कर सकते हो कोड आप, बस बाकी रटा होना चाहिए ये चीज। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले नंबरिंग बना लो, F कितने में आएगा, 6, I 9, O 15, A 1, J 10, K 11, ठीक है। ई क्या होता है, ई मेरा 5 होता है, और एम क्या होता है, एम आपका होता है KLM 13। तो कहते देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 6 9 15 1 10 11, क्या होगा, 6 + 9 15 1 + 10 11, यहाँ क्या होना चाहिए, 5 + 13 18 होना चाहिए, और 18 क्या होता है, RST R, है ना, R आपका हो गया 18, क्योंकि T 20 होता है। अब कैसे देखो 1 5 5 25 1, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 1 5 5 स्क्वायर, ऐसा लग रहा है आपको, बट इस तरह आप देखोगे तो आप 3 3 स्क्वायर नहीं हो रहे हैं ना, 3 into, यहाँ पे आप देखो साफ साफ देखो 1 5 5 स्क्वायर 5³, मतलब इधर से आप देखो कॉमन रेशियो 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको देखो लास्ट वाले 7 2 = 14, 14 2 = 28, 28 2 = 56, तो कॉमन रेशियो वाला खेल है बस। तो 3 4 = 12, 4 12 4 = 48 होना चाहिए, क्योंकि ये 48 4 = 192 हो रहा है, 42 8 मेरा आंसर, ठीक है। सो गाइस ये 10 क्वेश्चन करा लिए, अच्छे से देखो उनको, बाकी इसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, 10 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बाकी नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम में अगर तुरंत रिलेट कर रहा है तो ठीक है, छोड़ के आगे निकलो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। बाकी गाइस अभी भी टाइम है, स्नैप का क्रैश कोर्स देखना चाह रहे देखें, चेक प्राइसिंग काफी इकोनॉमिकल है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कोर्स का एक एक्सेस दिया जा रहा है विथ PYQs 400 से 500, उसके अलावा कम से कम 15 से 20 सेशन अभी लाइव चलेंगे, और यहाँ हम लोग और अच्छी वैरायटी सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो हाईली इकोनॉमिकल है, 2 या 3 सीटें रह गई है बस स्नैप क्रैश कोर्स की, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में करोगे तो अभी भी टाइम है, 50 दिन में निकल जाएगा एग्जाम आराम से। बाकी अगर आपको सिर्फ एनमैट लेना है तो एनमैट का प्राइस भी यही है, एनमैट स्नैप क्रैश कोर्स का प्राइस है 3500,
दोनों के मॉक्स मिलेंगे आपको एनमैट स्नैप दोनों एग्जाम्स के। बाकी गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर मॉक्स तो हम लोग के एनमैट स्नैप के मॉक्स 1899 के हैं एंड मॉक्स काफी लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस एनमैट में हम लोग एक दो दिन और देखेंगे कि बाकी स्टूडेंट्स के स्लॉट में कैसा आ रहा है। अगर सबके में डीआई के दो ही सेट आ रहे हैं लगातार तो हम लोग अपने सारे मॉक्स में डीआई के तीन सेट हटा के दो सेट कर देंगे और बाकी चार क्वेश्चन क्वांट्स के आ जाएंगे अच्छे। ठीक है तो हम लोग ये काम टारगेट कर रहे हैं 21st of October तक आपको अपडेटेड मॉक्स मिल जाएंगे विद टू डी आई सेट्स इंस्टेड ऑफ थ्री। ठीक है तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है एनमैट आपका लेट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 21 तक एनमैट के मॉक्स हम लोग मत दो, 21 तक मैं अपडेट कर दूंगा दो मॉक्स से दो डी आई से। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं कि वापस ये लोग तीन डी आई देते हैं। ठीक है तो मुझे एक दो दिन का टाइम चाहिए और ठीक है फिर मैं अपडेट करूंगा इसको। बाकी मॉक्स रेलिवेंट है ठीक है एज पर द पैटर्न। बाकी रिव्यूज एंड रिजल्ट्स यू कैन चेक। सो गाइस हम लोग के सीमैट एसआरसीसी टेस्ट एंड सीटी का कोर्स भी चल रहा है अभी बिल्कुल पीक टाइम है आप देख सकते हो। सो गाइस चैनल को सपोर्ट करो तभी मोटिवेशन आता है कंटेंट बनाएंगे बिकॉज एक्चुअली में पढ़ाई वाला ही कंटेंट आपको हेल्प करेगा। मोटिवेशन थोड़ा बहुत जरूरी है मानता हूं मैं बट एक्चुअली एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई वाला कंटेंट ही आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है तो प्रॉपर अगर लगेगा कि आप लोग देख रहे हो कंटेंट तो बनाने का मन नहीं करता है। ठीक है बाकी नंबर यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। ठीक है चलो गाइस वीडियो को शेयर करो बाकी लोगों को भी।